दिल्ली के जंतर मंतर पर काफ़ी लोग इकट्ठा हुए हैं जो कि गौ हत्या के नाम पर होने वाले मुसलमानों को लेकर जो अत्याचार चल रहा है इसमें काफ़ी लोग प्रोटेस्ट दे रहे हैं। ये लोग सुबह से यहाँ पर आए हुए हैं, हर इंसान अपनी एक अलग राय दे रहा है। हमारे साथ जुड़े हैं, बहुत जल्द हम जानना चाहेंगे आपकी राय। मेरा नाम शबीना खान है, मैं सोशल एक्टिविस्ट हूँ, हमारी आवाज़ फाउंडेशन के संस्थापक भी हूँ। जी आप यहाँ पर कब से हैं? मैं यहाँ सुबह से आई हुई हूँ। जो यहाँ प्रोटेस्ट चल रहा है इस बारे में आप क्या कहेंगे? इस बारे में मैं यही कहूँगी कि हमारा भारत जो दो टुकड़ों में बट रहा है उसको ना बांटें और एकता हमेशा और शांति बनाए रखें, जो कि हम सब चाहते हैं। यहाँ पर हिंदू भी हैं आए हुए, मुसलमान भी हैं आए हुए, आज धर्मों के नाम पर बांटा जा रहा है, कल जाति के नाम पर बांटा जाएगा, तो ये बांटना बंद करें और भारत को एकता के राह पर चलाएं। जब से मोदी सरकार आई है यहाँ पर सबसे ज़्यादा लोगों का यही कहना है कि मोदी सरकार आने के बाद ही यहाँ पर गुंडाराज बढ़ा है और गौ हत्या के नाम पर लोगों की हत्याएं हो रही है। ये सब सिर्फ राजनीति है, ये सब विकास ना करके सिर्फ भड़काया जा रहा है लोगों को और दंगे पैदा करवाए जा रहे हैं, तो ये सिर्फ हिंदुत्व राष्ट्र बनाने की कोशिश की जा रही है जो कि सभी लोग इसमें शामिल नहीं हैं। तो मुझे लगता है कि इस तरह की राजनीति नहीं करनी चाहिए, राजनीति भी साफ़ सुथरी करनी चाहिए। सिर्फ भारत में क्या हो रहा है, क्या होना चाहिए, उसके ऊपर काम करना चाहिए, ना कि इस दंगे के ऊपर और ना ही इस जो हो रही है अत्याचार लोगों पर, इस पर नहीं काम करना चाहिए। इस बारे में आप अपनी क्या राय देनी चाहेंगे कि कौन सा ऐसा नया कानून बनना चाहिए या क्या बदलाव होना चाहिए जिससे कि ये दंगे कम हो जाए और लोगों में मानवता एकता की भावना ज़्यादा बढ़े? जिस तरह से लोगों को भड़काया जा रहा है कि गाय के नाम पर ट्रिपल तलाक के नाम, ट्रिपल तलाक है, कई इशू उठाए जा रहे हैं, ये सब इशू ना उठाकर सिर्फ और सिर्फ उन्नति की बात हो, आरक्षण की बात हो, नौकरी की बात हो, बेरोजगारी ना हो भारत में, इन सब मुद्दों पर बात की जाए, इन सब मुद्दों पर काम किया जाए, तो फिर इन सब चीज़ों से, ये गलत चीज़ों से लोगों का दिमाग हटेगा और लोग एकता की तरफ जाएंगे। और एकता इसी में है कि जिस तरह से हमारा राष्ट्रगान एकता सिखाता है हमें, जिस तरह से हमारे धर्म की किताबें हमें एकता सिखाती हैं, इसी तरह से हमें आपस में सोच के रहना है कि हमें एकता बना के चलना है, अपने भारत को बटने नहीं देना है, वरना गृह युद्ध छिड़ जाएगा और संविधान पर खतरा मंडराता रहेगा। अगर आज के इस प्रोटेस्ट के बाद भी आपको लगता है अगर सरकार तक आवाज़ नहीं पहुंची या उनसे कोई रिस्पांस नहीं आया तो आप लोगों का क्या नेक्स्ट स्टेप होगा? देखिए अभी तो हम आवाज़ पहुँचाना चाह रहे हैं क्योंकि हम कानून से ही चलते हैं, क्योंकि अभी पहुँचाना, अगर नहीं पहुँचती है तो उसके आगे हम और बड़ा स्टेप लेंगे और भी हम आगे देखेंगे कि हम क्या करेंगे आगे, तो वो तभी बता सकते हैं। तो लोगों का कहना है कि जिस तरह से क्रिया हो रही है हमारी तरफ से भी प्रतिक्रिया होगी, इस बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए खामोशी का ज्यादा सब्र का ज्यादा इम्तिहान ना लिया जाए तो ज्यादा बेहतर है, अन्याय कोई ज्यादा दिनों तक सह नहीं सकता, तो न्याय होना चाहिए और अभी भी हमें उम्मीद है कि हमारी सरकार हमें न्याय देगी, और अगर ये सरकार न्याय नहीं देगी तो फिर हम जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठाएंगे और सरकार के खिलाफ आवाज़ उठाएंगे। तो आप लोग अब यहाँ कब तक रहने वाले हैं? अभी आज का दिन है सुबह से शाम तक 6 बजे तक, कल फिर सुबह 10 बजे से शाम को 6 बजे तक, और लोगों से गुजारिश है ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आएँ और कामयाब बनाएँ, भारत को एकता से जोड़ें और यहाँ पर भारत के लिए आएँ, ना कि हिंदू के लिए आएँ ना मुसलमान के लिए आएँ। शुक्रिया। लोगों में अलग ही तरीके का आक्रोश भी है, लोगों के पास अपनी एक अलग राय भी है सरकार तक पहुंचाने के लिए, ये बातें कि जल्द से जल्द उनकी आवाज़ पहुंचे सरकार तक और जो भी गौरक्षा के नाम पर अत्याचार हो रहे हैं और जो भी कत्लेआम मचा है वो रुक जाए। फिलहाल आज देखते रहिए इंडिया फायर न्यूज़, जुड़े रहिए हमारे तक आगे आने वाली नई ताज़ा खबरों के साथ। मैं दीपक सरोज, कैमरामैन आसिफ के साथ इंडिया फायर न्यूज़।